कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तुहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तुहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तुहरी बलैया। मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तुहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तुहरी बलैया। 1989 का ये गाना है, मैंने प्यार किया फिल्म थी और 33 साल हो चुके हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको याद आ गया होगा वो गाना, जिसका क्रेज, जिसका खुमार पूरे देश में सब पर छाया हुआ था। लेकिन आज की तारीख में एक फिल्म आई है महारानी 2, OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई है और इसका एक गाना है निर्मोहिया। इस गाने को लेकर के भी एक बार फिर से लोगों की जुबान पर ये गाना है और इस गाने को भी शारदा सिन्हा ने गाया है, जो इस वक्त ABP न्यूज़ के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। और मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ और जब आपने ये गाना गाया है, मैं कसम बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ गए हैं। अच्छा, नहीं, सुन के अच्छा लगता है जी। और सही में ये फिल्म तो नहीं, मतलब वेब सीरीज महारानी 2 जो आई है, तो मेरी भी ये पहली है वेब सीरीज के लिए, मैंने पहली बार गाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई मैं बहुत खुश हूँ, लोगों को भी इतना अच्छा लगा है, उनका इतना स्नेह मिल रहा है सोशल मीडिया से लेके किसी भी, इसमें इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं भी किसी जगह में वो लोग अपना जो स्नेह दे रहे हैं, और जिन्होंने ये गीत हमसे गवाया है उन लोगों का भी बहुत प्यार है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैम, मैंने प्यार किया से लेकर के, मतलब पग से लेकर के निर्मोहिया तक का सफ़र, और सिर्फ बॉलीवुड नहीं, मतलब मुझे जानकारी है कि आप मगही में गाती हैं, आपने बज्जिका में गाया है, मैथिली में गाया है, भोजपुरी में गाया है, ये सब क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन बॉलीवुड का जो सफ़र है 33 साल का, वो कैसा रहा, कैसे आप देखती हैं पिछले 33 सालों को? रहा तो बहुत अच्छा, मैंने बहुत कम गाया है, मैंने ज़्यादा गाया नहीं, तो उसमें बहुत सारी बातें थी कि क्यों नहीं गा पाई मैं या क्यों नहीं हो पाया, और कई सारे गीत मैं गा पाती, लेकिन मैं थोड़ी बंधन में भी रही, मैं नौकरी भी करती थी, सारे कुछ को बैठाते सबके, मतलब क्या कहें उसको, कि एक जो होता है ना, परिवार से लेकर के सब चीज़ को तारतम्य बिठाते हुए, और तब ये संगीत का जो समर्पण है इसको हम लगे रहने दें, टूटने न दें, इसीलिए कहीं कम कहीं ज़्यादा ये होता रहा। तो लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा कि जिस भी फिल्म में मैंने गाया है, ईश्वर की कृपा से वो गाना बहुत हिट हुआ है, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा है, तो मुझे और क्या चाहिए। अरे 6-7, 10-8 गाने मैंने गाए फिल्म में, और वेब सीरीज का तो ये पहला है, तो पहले गीत में बड़ी सफलता मिली है। और मैंने प्यार किया से लेके हम आपके हैं कौन, एक से एक वो ऐसे हिट फिल्म है कि मैं तो सोच उम्मीद ही नहीं कर पाती थी। मैं यही सोचती थी कि ये गाना कौन सुनेगा, सारे गाने लता जी के उसमें थे जी। मैं सोचती थी कि ये बैकग्राउंड में है, ये गीत कौन सुनेगा, असद भोपाली जी का लिखा हुआ इतना खूबसूरत गीत वो, और इतना एप्ट, वो जो इतना अप्रोप्रिएट जो वहाँ राजश्री प्रोडक्शन वाले जो हैं उन लोगों ने जो उसको प्लेसिंग किया गाने का, वो बेहतरीन किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि गाना आपने गाया, उसको प्लेसमेंट कैसा मिला। मतलब आप ईश्वरीय कृपा कह रही है, मैं कहूँगी कि जिसके जेवा पे खुद सरस्वती विराजमान है उनको, और ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको और ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन दूँ, आपके सफ़र की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि निर्मोहिया गाना वायरल हो गया है, इसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और ये एक बड़ा कारण भी है कि मुझे आपसे मिलने का इस वक्त जो है मौका मिला है। तो अपने सफ़र पर बातचीत हो और बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहूँगी कि आप एक बार जो निर्मोहिया गाना गाएं। ज़रूर गाऊँगी मैं इसको, देखती हूँ कौन सा गाना, तो बहुत बड़ा है जी। अच्छा, इस गाने के जो गीतकार हैं जी, डॉक्टर सागर जी, तो JNU वाले जी, उनका परिचय ही ऐसे होता है। कहते हैं हाँ।
तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है और सिचुएशन के लायक उन्होंने बिल्कुल लिखा है, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन में। और हुमा कुरैशी जी ने जो एक्टिंग की, जिनके साथ आप दूसरी बार हाँ वो गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में गाया उनके साथ, वो भी थी, और ये महारानी 2 हो गया। तो मैं वैसे इस सीरीज़ के लिए जो मुझे गाना मिला इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सुभाष कपूर जी और जो क्रिएटर हैं इसके बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जब ये गाना सुना ना तो इतने खुश हुए वो, उन्होंने कई बार इस गाने को गाया और उन्होंने ये कहा कि हमने तो जब गाना सुना है तब हमने देखा कि आपने इसमें क्या क्या लगा दिया है, मैं तो मतलब जो पहले से था उसमें आपने क्या गायकी के अंदाज से आपने क्या क्या उसमें कर दिया ये तो मैं अब जान रहा हूँ। तो बहुत खुश थे सभी लोग। तो और रोहित शर्मा जी, उन्होंने संगीत दिया है, संगीत इसमें रोहित शर्मा जी का बहुत ही बढ़िया। इतने कम मतलब आजकल का जो समय है उसमें इतने कम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके उन्होंने ये गाना दिया है, जिसमें आवाज़ निखर के आना आजकल मुश्किल हो जाता है। इतना ऑर्केस्ट्राइजेशन इतना ज़्यादा होता है कि आवाज़ दब जाती है और ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा होता है, वो नहीं है इसमें, इसीलिए मुखर होकर के आवाज़ भी आई है। बहुत धन्यवाद के पात्र है, मैंने बहुत आशीष भी दिया उनको। तो मैं गाती हूँ उसको, गाना बहुत लंबा है लेकिन मैं एक अंतरा उसका, हाँ आप कोई एक अंतरा गा दें। सेनूरा धुआई गईले रहिया अन्हार भईले पियवा हमार होई गए निर मुहिया हे सजनी ओ सजनी मोहे बिसराई गईले बहिया छोड़ाई गईले जिंदगी के छूटल आधार निर मोहिया ए सजनी ए सजनी। अंतरा एक गाती हूँ, जो अंतरे भी सभी अच्छे हैं लेकिन एक अंतरा जो बहुत मार्मिक है। कवन कसूर भईले खोतवा उजर गईले कवन कसूर भईले खोतवा उजर गईले जन्मे के हम ता गवार निर मोहिया ए सजनी ए सजनी। सेनूरा धोवाई गईले रहिया अन्हार भईले पियवा हमार होई गए निर मोहिया ए सजनी। इच्छा तो है कि मैं पूरा गाना सुन लूँ आपसे, पर एक सवाल है मैम, थोड़ा और पीछे चलते हैं, आपके आपकी शुरुआत जहाँ से हुई, आप सुपौल से हैं, सुपौल हाँ, में आपका घर है, सुपौल जिला हुआ मेरा, मायके का जो पहले सहरसा जिला था अब वो सुपौल है, और उस जिला में हुलास एक गांव है वहाँ मेरा मायका है, वहाँ से आपने शुरुआत की। और आपके पिताजी विद्वान थे, बिल्कुल उन्होंने उनकी दूरदर्शी थे, और हम कहें तो दूरदर्शी बहुत थे बिल्कुल, और उन आपको यहाँ तक लाने में आपके इस सफर में कहीं ना कहीं पिताजी का एक बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। तो शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत तो बहुत लंबी कहानी है, मैं तो 50 सालों से इसमें समर्पित हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी तो कुछ डायरियाँ लिखी जाती थी मेरे विषय में, मतलब मैं 8 भाइयों में एक बहन, तो भाइयों की डायरी नहीं लिखी जाती थी, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दुनिया जहाँ बहुत सारे नारे हैं, लेकिन मेरे यहाँ मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे और उनका ये सब ये सिद्धांत था उनका, वो भी बिहार जैसे राज्य, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने देखा कि मैं गीतों को जो कविता है ना उसको गुनगुनाती हूँ मैं, तो पूजा के लिए उन्होंने डायरी लिखी थी मेरी, और उन्होंने पूजा के लिए जो है मैं क्या करती थी कि पूजा के लिए कुछ कनेर के फूल टूटे शीशे सब रख के और वो जो कविता थी उसको मैं गुनगुनाती थी,
कुछ भी भगवान का है या नहीं है, भैया मोरा राजा सोने का दरवाजा, उसको मैं गा के बोलूँ। तो मेरे पिताजी अक्सर देखा करते थे, उनको लगा, ये सब मैं बाद में जानी हूँ, अपनी डायरी पढ़ी, बाबूजी से बातचीत हुई, तो तू ऐना करित रही। जब उन्होंने कहा तो हमने पूछा उनसे, जब तो पता चला ये सब, तो उस समय उनके मन में आया कि ये टैलेंट है इसके अंदर, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर धीरे धीरे जो है वो टीचर रखे गए, जो भजन सिखाते थे, जो गीत भजन सिखाने लग गए, ऐसे टीचर को रखा गया, छोटी थी उस समय। फिर जब मैं बोर्ड तक जब पहुंची, तो मेरे बड़े भैया की शादी थी, उसमें मैंने लोकगीत का की शुरुआत मेरे आंगन से ही हुई, और मेरे फादर ने उस समय में अभिनय देख करके मेरा नाम नृत्य स्कूल में भी लिखवा दिया। मैं मणिपुरी डांस भी सीखने लग गई, और मैंने मणिपुरी डांस में, हाँ मैंने वो डिप्लोमा जो डांस की होती है मणिपुरी डांस की, वो मैंने किया, उसका 5 साल का वो कोर्स होता है, हर साल मैं फर्स्ट आई उसमें, क्योंकि मुझे डांस से बहुत ज़्यादा लगाव था, संगीत और नृत्य तो इससे बहुत लगाव था, और ये मैंने दोनों ही सीखा बचपन में पढ़ाई के अलावा। तो मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान, अगर उन्होंने उस समय में बिहार जैसे एक मतलब राज्य जिसमें लड़कियों का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, रूढ़िवादिता के कारण हो, बहुत सारी बातें थी, तो नहीं आगे नहीं बढ़ सकते थे, उस समय मेरे पिताजी ने आगे बढ़ के और इस काम को किया, तो हौसला बढ़ाया। उस समय मैं तो जानती भी नहीं थी हौसला किसका नाम है, मुझे गाने को मिल रहा था, मैं खुश थी। इसके बाद जब मैं गाँव आई, तो गाँव आने के बाद गाँव में नाटक हुआ करता था दुर्गा पूजा के समय में, मैं हर छुट्टी में पटना में बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने लगी, हर छुट्टी में वहाँ से खुलास आती थी गाँव आती, वहाँ जब दुर्गा पूजा का कार्यक्रम होता था तो लोग आते थे कहने के लिए, ये जान करके कि शारदा सीख रही है तो ये भी कुछ गाती, कोई कोई टीचर संस्कृत विद्यालय के एक टीचर थे, बड़े मैंने क्या कहा जाए उनको, बड़े मैंने सोच अच्छा सोच रखते थे वो, तो वो आते थे तो बोलते थे कि शारदा गीत गाते है ओठाम से इतने सीखे छे, मैथिली में बोल रही हूँ, तो गीत गाते है, सब ने विरोध किया कि नहीं नहीं गीत गाँव में जाकर स्टेज पर गीत गाते। मेरे पिताजी ने कहा कि सीख रही है तो इसको घर में रखने के लिए जरूर गाएगी, जा करके गाएगी, भजन गाएगी, गीत गाएगी, जो भी है। मैं गई, गाने तो गई, मुझे तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं, स्टेज मिले किसी आर्टिस्ट को उतने बचपन में, तो मैं गई, मेरे अपने दोनों छोटे भाइयों को लेके गई, और पता है हंसी भी आएगी सुन के कि मैंने गीत जो भी गाया उसमें एक गीत, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के शान नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, ये फिर और कोई भजन याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैंने 3 गाने उसमें गाए। और वो गाना कब मिलता था, जब ड्रामा डांस नाटक के बीच में जब पात्र अपने ड्रेस बदलने जाते थे, उस बीच में जो समय होता है उस समय में मुझे वो गीत गाने का मौका मिला था। तो आज गाना हुआ तो गाना तो मैंने गा दिया जाके स्टेज पर, आज सबने सुना, सुनने आए लोग, कल हो करके जो है वो शुरू हो गई बात, गुल 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 ठाकुर जी की बेटी स्टेज पर गीत गाते है, ऐना हो बेटी जात के गीत गवाना है, मैंने बेटी होकर के लड़की होकर के स्टेज पर गीत चारों तरफ एकदम, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ सुनने वाले, कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, बिल्कुल बोले बहुत ठीक है, बिल्कुल उसने गाया बहुत अच्छा किया, विकास करना जरूरी है, सीख रही है किस चीज़ के लिए, तो इसलिए हमारा हौसला बढ़ता चला गया। इसी तरह से लोकगीत की जहाँ तक बात आती है तो मैंने आंगन में ही सीखा लोकगीत, आप कह ही रही हैं मतलब आप परिछन संस्कार गीत, हाँ परिछन द्वार छिकाई सुनने ची, द्वार छिकाई तहन बधैया, हाँ सब तहन आर मने गौनाक गीत, हाँ सब गीत, सिंदूरदान सिंदूरदान, हाँ। तो आप क्षेत्रीय भाषा में तो आप गीत गाती हैं, लेकिन पहला जब ब्रेक मिला था आपको ये कैसे था, ये वाक्य कैसे हुआ, मतलब वहाँ से फिर वहाँ पहला ब्रेक बॉलीवुड ब्रेक मिलना, ये जरा आपको याद हो आपके जहन में। हाँ बॉलीवुड का वो है कि मैं भोजपुरी फिल्म में भी मैं गा चुकी हूँ, तो जैसे माई है एक, ये जिसमें पटना से बैदा बुल दगाबाज बलमा है, इन सब फिल्मों में मैंने गाया, तो मैं माई की रिकॉर्डिंग में बॉम्बे गई हुई थी और वहाँ बॉम्बे लैब में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसमें माई फिल्म में एक डॉक्यूमेंट्री भी था जिसमें जो बोल बम्पर था उसमें 5 गाने थे, उसमें सुरेश वाडेकर और मैं,
दोनों हम लोगों ने डुएट गाया। मैंने पहली बार मतलब मैं डुएट आज तक गाई नहीं हूँ, बस उनके साथ एक गाया, एक बहुत पहले कभी गाया था, लेकिन एक वो जो है वो पांचों गीत मैंने उनके साथ गाया, मैथिली में गाया। तो वही मैं गा रही थी और तभी राज साहब के यहाँ से बुलाहट आई। उस समय मोबाइल का इसका तो था नहीं समय, तो कोई आदमी आया वहाँ से, जो भावना बिल्डिंग वही पास में ही है प्रभाजी में, तो वहाँ से आया और बोला कि पता चला है ऐसे ऐसे शांता सिन्हा आई हैं। फोक तो सुनते ही थे लोग, 83 में ही मेरा निकल गया था श्रद्धांजलि, फिर बड़ रे जतन से हम, ये सब निकल चुका था, तो तोरे गोरे गोरे गाल गो धनवा सोहेना, ये सब चीज़ मेरा निकल चुका था उस समय, तो लोग सुनते होंगे। उसमें ताराचंद बड़जात्या जी को मेरी श्रद्धांजलि हो, वो लोग बड़े जानने वाले थे और सुधी श्रोता थे, समझदार लोग, उन्होंने जो सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उनकी ये वो थी कि उनको बुलाया जाए। उस समय उनकी ये फिल्म जो है वो प्लान हो करके लगभग खड़ी हो चुकी थी, उसका नाम उस समय में प्यार का वरदान रखा गया था। जब हम गए थे उनसे मिलने तो राज साहब ने कहा कि हम लोग आपका एक गाना चाहते हैं कि एक गाना इसमें आपका रखें। ये सोचने की बात है कि राजश्री फिल्म प्रोडक्शन का गाना कैसे ऐसे हो गया कि हमको बोला जा रहा है। अप्रोच करने के लिए बहुत मुश्किल था उस चीज़, ना हमको आता था, कहते ना लूर ढंग नहीं, कोई लूर नहीं हुई कोई चीज़ की, हमारा कोनो समझ नहीं किससे हम बात करें किससे, और हमको कोई हमने बहुत फैनेटिक भी नहीं रहा कभी हम फिल्म के लिए, या बुलाया तो समझ में आ रही। तो सिटिंग हुई और वहाँ पर गाना बजाना हुआ, राम लक्ष्मण जी को बुलवाया गया, वो भी थे और असद भोपाली जी भी थे, उनको भी बुलवाया गया। उनका ये तरीका था कि जिनसे संबंधित है ये गीत है ये है, सबको बुलाया जाए, सब सामने में रहे। यहाँ तक कि फिल्म का सीन देखने के लिए हम और भाग्यश्री दोनों साथ में ही बॉम्बे लैब में दिखलाया गया कि यही पर गाना आपका है। कितना समझदारी की बात है, तो हम समझ में आती है बात कि अच्छा यहाँ है मेरा गाना। तो इस तरह से हम जब वहाँ गए, सिटिंग हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आप इस फिल्म में गा रही हैं, तो समय आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे। म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए सब धरोहर अब भाग गए थे। एक सवाल है, चूँकि आपने अभी भोजपुरी का जिक्र किया, भोजपुरी फिल्मों में तब आप गाती थी, 80 के दशक से आप गा रही हैं। हाँ। 80 के दशक में, 80 के दशक 71 में मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हो गया, HMV से रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, 1971 में पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, मैथिली गाना, द्वार के छिकाई नेग पहने चुकइयो यो दुलरवा भैया, तब जइहा कोहबर अपन यो दुलरवा भैया, ये गाना पहला रिकॉर्ड था 71 में। इसके बाद लगातार HMV में रिकॉर्ड होते रहे मेरे गाने। इसी दरमियान जो है वो जय जय भैरवी वगैरह होने, बड़ी कठिनाई हुई, मैथिली करना ही नहीं चाहते थे लोग कि बहुत टफ लैंग्वेज है, नहीं करेंगे। फिर हमने बहुत कोशिश की, कहा कि बहुत खर्चा आपको लगेगा ना, नहीं बिकेगा ना, सारा जगह जमीन बेच के आपको पैसा चुका देंगे, लेकिन आप रिकॉर्ड कीजिए जय जय भैरवी। किया, करने के बाद जगदम्बा घर में दिया रहा, जय जय भैरवी, भोला के देखे ला बेकर भर जियरा, और काल के शिव के मनाई, ये तीन भोजपुरी और एक उसमें मैंने जय जय भैरवी डाला, ताकि मैथिली का भी। और फिर वो गाना, और वो गाना ऐसा चला, ऐसा निकला कि जो रिकॉर्डिंग ऑफिसर थे उन्होंने लेटर भेजा वहाँ से कि कुछ हो ना हो पर मैथिली इज़ अ मस्ट फॉर एवरी ईयर। उसके बाद लगातार मैथिली मैंने गाया। फिर बहुत दिन जब हो गया, जब HMV का वो गड़बड़ाया, टी सीरीज़ भी पीछे बहुत ज़्यादा हमारे चाहते थे कि हम किसी तरह रिकॉर्ड करें, फिर मैं टी सीरीज़ में गई, फिर मैं टिप्स में रिकॉर्डिंग की, उसमें मैथिली भोजपुरी मगही बजी का सारा कुछ किया। हालांकि मैथिली इंडस्ट्री जो है वो अभी भी बहुत आगे नहीं हो पाई है, लोग उसमें गाना सुनना वो एक लगता है कि किसी खास उसके लिए, मतलब उसमें लोगों की पब्लिक, मतलब ये यूँ कह लीजिए कि पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है मैथिली इंडस्ट्री की आज की तारीख में। लेकिन भोजपुरी पे मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे, 80 के दशक में आपने पहला भोजपुरी गाना गाया था? हाँ, नहीं, पहला मैंने भोजपुरी गाया था 74 में गाया था। तो 74 से लेकर के 2022 भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता आई है, जिस तरह से लिरिक्स के नाम पर कुछ भी गा रहे हैं लोग, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी परोसा जा रहा है, चाहे फिल्मों की बात कर ली जाए, लेकिन हाँ। फिल्म पर नहीं, लेकिन अगर भोजपुरी गानों के लिरिक्स की बात कर ली जाए, हाँ, तो हाँ। सुना नहीं जाता बिल्कुल। कई बार आप अगर अपने
आप अगर बैठे हुए हैं घर में और कहीं दूर में अगर म्यूजिक चल भी रहा है, कोई भोजपुरी गीत चल भी रहा है रेडियो पर या कहीं पर, तो वो लोग सुन नहीं पाते. तो ये जो अश्लीलता आई है भोजपुरी में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे, आपकी राय में जानना चाहूँगी. ये जो अश्लीलता है, देखिए इतनी अच्छी आवाज़ें हैं, टैलेंटेड लोग हैं गाने वाले, मार्गदर्शन की कमी है. दूसरी बात है कि बहुत हड़बड़ी है, कमर्शलाइज करने का, और स्टार बन जाए हम, कितनी जल्दी हम स्टार बन जाए, उनको ये नहीं पता है, कोई समझाता भी नहीं है, या वो समझना भी नहीं चाहते हैं कि स्टार तो बन जाओगे लेकिन रहोगे कैसे, टिकोगे कैसे. उसके लिए अच्छे गीतों का सिलेक्शन, अच्छा संगीत. वही मैंने कहा ना एक बातचीत में, हमने कहा था कि वो धूम धड़ाका है कहाँ उसमें. भोजपुरी जरूर ऐसा है कि बहुत सारे गाने मैथिली से अलग हैं, मैथिली में थोड़ा सॉफ्ट है वो. हाँ, ये भोजपुरी जो है वो थोड़ा सा अलग है उससे. लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी था कलाकारों को, कि हम कम समय में और कम मेहनत में हम चाह रहे हैं कि हम स्टार बन जाएं. मतलब और अभी क्या है कि मीडिया की जो भूमिका है वो इतनी ज़्यादा है, अच्छी खराब तो अपनी जगह पर है. आप खुद सोच लीजिए कि जहाँ देखो वहाँ उछाल दिया, जहाँ देखो बिना समझे, तो क्या कहा जाए इस पर. तो ये मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ के लिए. ये जो प्रचलन चल रहा है फास्ट फूड का ना, खाने में बस कि बस. मतलब वो पेट में जाकर कितना हेल्दी है, मुंह में तो स्वाद देता है लेकिन वो जब अंदर जाता है तो बहुत तकलीफ देता है. यही संस्कृति के साथ ये खिलवाड़ है. ऐसा नहीं है कि अच्छे गाने बिरले नहीं हैं, अच्छे गाने भी हैं, गाते भी हैं लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा है ऐसे गीतों की तादाद कि उसमें खो जाता है, अच्छी चीज़ें खो जाती हैं उसमें. लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में भी वही हाल है, फिल्मों में तो मत पूछिए, कुछ भी होता है. और ऐसे लोकगीतों में खास करके होली के समय में भोजपुरी सुन लीजिए कि क्या हाल है इसका. मतलब पहले जब होली में हम गीत सुना करते थे, भोजपुरी गीत, अगवा सुनते थे, बिल्कुल अगवा सुनते थे. अब और आज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. निर्मोया पर फिर से आते हैं. ये जो फिल्म है महारानी 2, बिहार की पृष्ठभूमि पर है, एक पॉलिटिकल घराने, राजनीतिक घराने की फिल्म है. चूंकि आप इस फिल्म में आपने गाना गाया है और मेरा मन भी कर रहा है आपसे ये सवाल करने का, तो बिहार में आज की तारीख में जो चल रहा है, जिस तरह से तकरार, चूंकि आप बिहार से हैं, आपसे बेहतर आप समझ भी नहीं हैं, देख भी नहीं हैं, जान भी नहीं हैं, कैसे देखती हैं आप बिहार में इस वक्त जो राजनीति चल रही है? देखिए मैं अगर यूं कहें तो मैं राजनीति से तो बहुत दूर रही हूँ शुरू से. आप उससे बहुत दूर? हाँ, बहुत दूर रही हूँ. मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम लोगों के लायक वो चीज़ नहीं. मैं कलाकार हूँ तो बस उसी में रहना चाहती हूँ. कभी ऐसा मन नहीं किया कि राजनीति में जाए, एक चुनाव लड़ ले? मन चुनाव तो लड़ने का और भी मन नहीं. आजकल चुनाव ही बदल गया है. आजकल चुनाव चुनाव से थोड़ी होता है, वो तो ज़बरदस्ती के चुनाव है आजकल. मतलब कैसे प्रचार करते हैं, कैसे उसको किस तरह से करते हैं, वो हम लोग भी रहे, हम इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, हमेशा हम लोग बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो. वहाँ तक तो ठीक है, बहुत कुछ सुधरा है, लेकिन जो स्थिति है बिहार की जो बात कर रहे हैं, जो बिहार की स्थिति है अभी, जो हालात हुए हैं, वो हम कहें उल्टा पुल्टा हो गया है सब. मैं दूर से देखती रहती हूँ, कान है सुनती हूँ, आँख है तो देखती हूँ, लेकिन तकलीफ होती है देख करके. स्थिर सरकार कोई अगर रहती है तो विकास करे तो अच्छी बात है, वरना तो उल्टा पुल्टा तो ये सब वही बात है कि जो टिकाऊ नहीं होते हैं ये सब हो जाए, तो फिर कहीं स्थिर रहे तो कुछ विकास करे तो बिहार का भला हो. इसमें ये जो पुराने जनरेशन के हैं, जैसे लालू जी हो गए या नीतीश जी हो गए, उन लोगों को अगर दो मिनट के लिए साइड कर दें, तो नए जनरेशन में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं. मतलब मैं पिता से फिर बेटे को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ. लालू जी के बेटे तेजस्वी तेज प्रताप हैं. इन लोगों को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये भविष्य हो सकते हैं बिहार का अगर बेहतर काम करें या उस तरह? निश्चित रूप से अगर बेहतर काम करेंगे तो क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं. बड़ों का अनुभव लेना, सही अनुभव लेना, अनुभव तो बहुत है, हम बिगाड़ भी सकते हैं आपको, हम अच्छा भी बना सकते हैं. बिल्कुल. तो अगर उनके अनुभव से या अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपनी दूरदर्शिता से अगर हम काम करेंगे और वाकई अगर विकास करते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं. युवा में तो और भी ताकत होती है.
और भी समझदारी होनी चाहिए उनमें, होगी। तो हम तो आई विश कि बिहार में जो राजनीति अभी चल रही है उसमें बिहार का भला हो, बस क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन सब इसी में है, बिहार का किसी भी हालत में उसका भला हो, बिहार विकसित हो, बिहार निडर हो और बिहार स्वस्थ और सानंद रहे, बस। बिहार में टैलेंट की कमी है, बिहार तो टैलेंट से भरा हुआ है, बिना बिहारी के तो कहीं देश भर में कुछ चलता नहीं। एक बात, बिहार से कितने आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स निकलते हैं ये सोचने की बात है कि और स्टेट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना गर्व महसूस करते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के जो है ना, जैसे मोर है ना अपने पैर को देख के झमा जाता है, मेरे मैथिली में एक शब्द है, मतलब दुखी हो जाता है, ओ ऐसा है पैर मेरा। तो वही राजनीति जब वहाँ, जब कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, कि जब राजनीति में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। अरे जानकारी है, ज्ञान है, अनुभव है, सब कुछ है, तो सत्ता की इतनी पूजा क्यों? राजनीति क्या गंदी चीज़ है? नहीं, बिल्कुल गंदी चीज़ नहीं है। एक ज़माना था जब राजनीति बहुत अच्छी चीज़ थी, ऊँची चीज़ थी, लेकिन अब उसको वो मैला हो गया है। बड़े बड़े नाम आए, देखिए मैं राजनीति पे ज़्यादा कई बार ये सवाल हुआ है जी, तो कई एक कोशिश भी की गई है, लेकिन हम एक बात कहते हैं, बहुत छोटी सी बात है ये बहुत, कि जैसे बिहार की विधान परिषद, विधान परिषद में लोग मेंबर बनाते हैं, किसको वो ये करते हैं, नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, दूसरे स्टेट में देख लीजिए आप, कलाकारों को नॉमिनेट किया गया है कि नहीं किया गया? लता जी गई, रेखा जी गई, जया बच्चन तो इलेक्शन से शायद गई हैं, लेकिन रेखा जी हैं, लता जी हैं, और लोग भी हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि आपको भी नॉमिनेट किया जाना चाहिए था? बिहार सरकार अगर चाहती तो अब तक करती, तो उसने वो कभी आगे बढ़ी ही नहीं। राज्यसभा एक, एक मतलब एक अच्छे जगह है, स्टेटस वाली जगह थी, जहाँ से आदमी जो दिल्ली सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकता था कलाकारों के बारे में, जिस क्षेत्र में जो है उसको तो उसी क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहेगा ना, वो किया जा सके, लेकिन कभी कोशिश इसकी नहीं की गई। विधान परिषद की कोशिश ने झूठ मूठ का खाली इलेक्शन, नहीं आपको इस बार खड़ा होना है, अरे भैया मैं खड़े नहीं होने वाली हूँ, मैं कोई ये सब... भी कहा जाता है कि क्या शारदा जी के पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि आजकल तो पैसे पे राजनीति, पैसे पे राजनीति होती आपने पैसे नहीं कमाए कि आप चुनाव लड़ ले? नहीं नहीं, हम इतने पैसे नहीं कमाए, लोग भले ही मुझे कुछ भी समझ लें, मैंने आदमी जरूर, मेरे पास आदमी जरूर हैं, जो प्यार करने वाले आदमी को जरूर कमाया है, आपने आदमी कमाया, बस बस बिल्कुल, और वही हम चाहते हैं, वही चाहते हैं बस। और बिहार सुधर जाए हर तरीके से, हम आशा करते हैं कि बिहार में सुधार आए, विकास आए। एक और सवाल मेरा मन है राजनीति से, आखिरी हो गई। अच्छा, सब कह रहे हैं कि बिहार से इस बार नीतीश कुमार जो है 2024 में प्रधानमंत्री बनने चाहिए, जेडीयू और उनकी पार्टी में कवायद चल रही है कि उनको पीएम बना देना चाहिए, आपको लगता है कि बना देना चाहिए इस बार? इस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है ना उड़ंत भी होती हैं, बहुत सारी बात जो है ना ऐसे लोग कहने की चीज़ें हवा में फैला भी देते हैं, हो भी तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। कोई बात नहीं। कैसा, एक और मैं आपसे कहना चाहूँगी, कुछ दिनों पहले ये अफवाह आई कि शारदा जी की तबीयत खराब हो गई, शारदा जी के बारे में रही ही नहीं, अनाप शनाप हो गए। तो मेरे पास भी उड़ती उड़ती ये खबरें आई थी, तो मैंने आपके बेटे अंशुमन जी को फोन किया था और मैंने उनसे पूछा था, इतना पूछा कि तबीयत कैसी है आपकी, क्योंकि इस तरह की खबरें जो होती हैं उसमें बड़ा मतलब सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं इंसान के, तो मुश्किल होता है, सेंसिटिव हो जाता है माहौल। तो आप जब, आप तक भी ये खबरें पहुँचती है क्या, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए? पहुँचती हैं, बिल्कुल पहुँचती हैं, श्रद्धांजलि देते हुए वो फोटो लगा के और मोमबत्ती कैंडल लगाए हुए और श्रद्धांजलि देते हुए और लिखा हुआ टेक्स्ट उसके सामने में, बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई मैं तो जिंदा हूँ, कि मेरे लोग श्रद्धांजलि भी मना रहे हैं। तो बहुत दुख होता है इस बात से कि लोग अफवाह उड़ाने में ना बड़ा मज़ा आता है, आनंद उठाते हैं इसको, बिना किसी चीज़ की शिनाख्त किए हुए, बिना किसी चीज़ की सही जानकारी लिए हुए कभी भी ऐसे अफवाह नहीं उड़ाने चाहिए, तो ये तो तकलीफ का विषय, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में सुनिए, और भी कई लोगों के बारे में सुना है कि भाई वो नहीं रहे। पंकज त्रिपाठी
आपकी अभिनीत एक फिल्म है कागज, हाँ, जिसमें आपने गाना गाया है। बिल्कुल, वो गाना आप सुना सकती हैं? मुझे जो स्मरण है दो लाइन, पंकज त्रिपाठी लीड रोल में है उसमें कागज में जी। और अभी आपने श्रद्धांजलि वाली बात कही ना मेरे बारे में, मेरे नहीं रहने की जो अफवाह, तो वो जो फिल्म है सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट किया है उसको, और इसमें पंकज त्रिपाठी ने गजब का रोल किया है। उनको वर्षों लग गए हैं अपने को जिंदा प्रूव करने में, उसी पर ये गाना है। सरकारी जो सिस्टम है उस पर ये वार है, व्यंग है। उनकी जो वाइफ हैं वो उनको तो विधवा, उनको विधवा पेंशन की चर्चा हो रही है, विधवा बना दिया और वो जिंदा है, अंत में प्रूव होता है कि वो जिंदा है। सरकार विधवा बनावले की पति मोरा जिंदा रे सखिया, सरकार विधवा बनावले की पति मोरा जिंदा रे सखिया, जिंदा रे सखिया, जिंदा रे सखिया, जिंदा रे सखिया, कि जिंदा रे सखिया, कि पति मोरा जिंदा रे सखिया। सरकार विधवा बनावले कि पति मोरा जिंदा रे सखिया। वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत वक्त से, देखिए सवाल बहुत सारे हैं, मुझे लगता है वक्त कम पड़ जाएंगे, पर मैं सवाल पूछना है नहीं छोड़ूंगी। ये सवाल जो है, मतलब आज की तारीख में देखा जाए तो लता जी गुजर गए हैं, के गुजर गए हैं, इस तरह से जो सिंगर्स, ये जो सिंगर्स रहे हैं अपने जमाने में, इन लोगों बाला सुब्रमण्यम साहब गुजर गए, तो ये सिंगर्स के खालीपन को क्या आपको लगता है कि कोई भर पाएगा? आज की तारीख में जो सिंगर्स हैं बॉलीवुड में, जो हैं जिस तरह गाना गा रहे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हर तरह के हैं, आपको लगता है कि इनके खालीपन को कोई भर सकेगा? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, एक नए अंदाज में वो आ सकते हैं, मगर जैसे वो थे वैसा तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है कि वो अपूर्णीय क्षति है वाकई। लता जी को कौन भर सकता है, वर्सटाइल गायिका, और मतलब उनको कौन, इतने वर्षों तक, इतनी उम्र तक उन्होंने गाया, उसको निर्वाह जो कहते हैं वो निर्वाह किया उन्होंने। लेकिन क्या है कि और उनके बाद श्रेया घोषाल हैं, अलका याग्निक के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने गाया है, और वो ये महीने से ये मालूम भी नहीं हो पाता है सभी लोगों को, सभी जो सुधीर होता है वो सुन करके समझते हैं ये लता जी का है, ये अनुराधा पौडवाल का, ये उनका है, ये उनका है, मगर लता जी की जो आवाज़ है और उनकी जो गायकी है उसको भरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब आप मुझे कह सकते हैं कि मैं मिथिलांचल को लेकर थोड़ी बायस्ड हूँ, लेकिन आपने मैथिली में बहुत गीत गाए हैं। हाँ, मैं एक गीत सुनना चाहूँगी मैथिली में। गीत तो सही में बहुत सारे हैं मैथिली के, शुरुआत ही मेरी मैथिली से हुई। एक गीत मुझे बहुत पसंद है, वो शिवजी के विवाह के अवसर पर उनको परिछन करने जब जाती हैं लोग, महिलाएँ, तो उनको कहती हैं, वो एक तरह से उसमें गाली जैसा भी आभास है और उनको परिछने का भी आभास है। मैथिली में गाई रहो सुना में निक लागे। हाँ, वो तो अच्छा है, एक काम गीत बड़ बढ़िया गीत रहे, वो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। हाँ, एक एक गा दीजिए। हाँ, हम गाते हैं वही। चलो देख बहिना जुलुम भेले भारी, चलो देख बहिना जुलुम भेले भारी, गोरी नार कनियाल बड़ लैला कारी, चलू देख बहिना जुलुम भेले भारी, चलू देख बहिना। मेरा अगला सवाल इस संदर्भ में कि आप जिस दौर से आई हैं, जहाँ पर
स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का तरीका अलग था, आज के डेट में स्टूडियो के रिकॉर्डिंग का तरीका अलग है, बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, सब सोशल मीडिया पर स्टार बने हुए हैं, बिल्कुल। तो रियाज से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं, मतलब हर तरीके के तो देखती हैं, वो गाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसी को रियाज समझते हैं। तो आप तक भी आते होंगे इस तरीके के गाने कई बार? कई बार। तो क्या मन में आता है जब आप देखती हैं इस तरह लोग जो है वो सोशल मीडिया पर गीत गाते रहते हैं बिना उसके? देखिए, इस पर कोई ऐसे कमेंट तो करना ठीक नहीं है कि वो चले आते हैं गाना, उनकी भी इच्छा होती है तो गाते हैं, पर क्या है ना कि प्रॉपर जो एजुकेशन है, प्रॉपर उसके लिए शिक्षा जो है वो नहीं लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो गाने के लिए तो आते हैं, गाते तो हैं, मगर विधिवत शिक्षा उनकी नहीं है, तो कमज़ोर रहते हैं गाने में, वो गाने की प्रैक्टिस करते हैं, रियाज नहीं करते हैं, तो बहुत दिनों तक जो है वो चलता नहीं है। सोशल मीडिया ठीक है, बहुत काम किया सोशल मीडिया ने किसी को भी ऊपर लाने में, किसी के भी गुण को, अवगुण को दिखाने में बहुत काम किया सोशल मीडिया ने, मगर अच्छे के साथ साथ बुराई भी है। वही बात है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो रियाज नहीं करके गाना को याद करके उसकी धुन को कॉपी करके बहुत सारे गाने जो हैं कॉपी किए हुए रहते हैं जो वो लोग गाते हैं, कोई नए धुन को बना करके गाना जो फोक का बेस लिए हुए हो, फोक ही गाते हैं ज़्यादा, मैथिली में भी मैं देख रही हूँ बहुत गाते हैं आजकल, उसमें से चंद लोग अच्छे हैं जो उसमें गाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसा गाते हैं लगता है सीधे कॉपी उतार रहे हैं गाने का, उससे थोड़ी बनेंगे, आर्टिस्ट नहीं बन सकते वैसे में, वो गा लें अपनी वो मंशा पूरा लें, लेकिन विधिवत शिक्षा बहुत ज़रूरी है, रियाज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मीडिया में ऐसा कहा जाता है हम लोगों को कि आपको हर नई चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहना हो, बिल्कुल, चाहे माइक हो, कैमरा हो, कैमरा किस तरह, आपको पता है जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, जब 71 की रिकॉर्डिंग, तब से लेकर के और डिजिटल जब रिकॉर्डिंग आ गई है, जब तक वो रिकॉर्डिंग थी मैनुअल वाली, इतने ट्रैक की रिकॉर्ड हो रही है, इतनी ट्रैक की, सब कुछ नहीं समझे, इतना ज़रूर समझते थे कि अगर एक गलती भी हो गई गाने में तो पूरा का पूरा जो है म्यूजिशियंस वो सारे लोगों को फिर से बजाना पड़ेगा, एक ढोलक वाले ने टक गलत कर दिया पूरा म्यूजिशियन फिर से बजाएगा, 50 म्यूजिशियन होते थे, 30 म्यूजिशियन होते थे, तो वो पूरा कर देते थे, पूरी गलती हो जाती थी, फिर से पूरा को गाना पड़ता था। आज वो नहीं, आज बहुत सुविधा हुई उससे, भले ही उसकी क्वालिटी में वैसी बात नहीं है, वो सोनरस जो वो आता था उसकी कमी हमें लगती है, वरना आजकल क्या है कि तुम्हारी गलती हो गई कोई बात नहीं, ये सारे निकल जाएंगे, तुम आके दूसरा डब कर लेना अपना, हम उसको मिक्स कर लेंगे। अब तो ऐसी रिकॉर्डिंग चलती है, कोई अपना गा लिया, कोई अपना कर लिया, कोई अपना म्यूजिक पार्ट बजा के चला गया, उसको दूसरी रिकॉर्डिंग में जाना है, समय का अभाव हो गया, और वो सबको जो है असेंबल करके गाना बना देंगे। तो इसमें और वन गो में जो रिकॉर्डिंग होती थी, वो जो फीलिंग होती थी वो नहीं आती है, कोरस भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, उसके बाद गाने के लिए दे दिया, उसमें कोई सामने में आदमी नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है किसी से, तो वो फीलिंग की कमी मुझे लगती है। लेकिन अब ज़माना यही है, समय यही है, समय के साथ चलना समय की पुकार है। जब आप अपने जीवन को देखती हैं, जो संघर्षमय आपका जीवन रहा, जो उतार चढ़ाव सबके जीवन में, सबके बिल्कुल बिल्कुल संघर्ष भी बहुत आए, तो आप अपने जीवन को देख करके कोई गाना ऐसा है जो आपको अनायास याद आ जाता हो कि इसी गाने से मिलता जुलता मेरा भी जीवन रहा है, या ये तो नहीं कह सकती, पर ये ज़रूर है कि मुझे गोपाल सिंह नेपाली की का वो गीत जो जिसमें आत्मा परमात्मा के मिलन, और अगर सोचें तो यहाँ की भी बात जो है वो भी उसमें शामिल है, और उनके गीतों का तो जवाब नहीं था, उनका एक गीत मुझे बहुत पसंद था जो मैंने बहुत पहले गाया था, वो मैं दो लाइन सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और जीवन दर्शन है उसमें। घूंघट घूंघट नैना नाचे, पन घट छैया रे, लहर लहर हर नैया नाचे, नैया में खेवैया रे। घूंघट घूंघट नैना बीच गगन में बदेरा नाचे,
बरसे मारे प्यार के पानी पी कर धरती नाचे बिना किसी आधार के, नाचूं जैसे मुझे नचाते मेरे वेणु बजैया रे, लहर लहर हर नैया नाचे नैया में खेवैया रे, घूंघट घूंघट नैना। वाह, यही सारी है कि जिस तरह जैसे नचाया वैसे नाचते चले। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। नाचूं जैसे मुझे नचाते मेरे वेणु बजैया रे, बहुत सुंदर लिखा नेपाली जी ने। शारदा जी, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं इन दिनों, मैं आपको स्टॉक करती हूँ, आप कह सकती हैं। आपकी बेटी आप कह रही थी ना कि वो समय के साथ चलना, तो मैंने भी बहुत कोशिश की। मैं कंप्यूटर को मैंने सीखा, फेसबुक को मैंने सीखा, अभी भी कुछ चीज़ें नहीं भी आती, अगर मैं सीखती रहती हूँ, कर खुद से भी बहुत सारा करती हूँ। समय के अभाव में मैं अंशुमन को बोलती हूँ कि थोड़ा हेल्प करो, अदरवाइज मैं बिल्कुल अंशुमन से तो मेरा नेक टू नेक फाइट हो जाता था उस समय में, क्योंकि मुझे लगता था ये डांट टीचर हो गया मैं स्टूडेंट। मैंने कोशिश की, मैंने सीखा। तो आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है और आपके साथ गाती है। हाँ। मैंने देखा है, मैंने कई इंटरव्यूज भी आपके देखे हैं। हाँ। साथ में वंदना, आपकी बेटी जो है उनके साथ, तो आपने इस परंपरा को जबरदस्ती तो नहीं कहा बेटी को कि नहीं तुम सीखो, अक्सर बच्चे नहीं नहीं मैं पेरेंट्स की तरफ से दबाव पड़ता है। हाँ। तो ये दबाव आपने दिया बेटी को या उनकी इच्छा थी? इच्छा थी, लोगों ने भले दबाव दिया हो, लोगों ने भले ही उम्मीद की है कि उनके वो जो है उत्तराधिकारी हैं और वो मतलब धरोहर को जो है वो आगे ले जाएंगे। तो कल को अगर उनको गाने और प्लेबैक सिंगिंग के लिए ऑफर मिलता है तो फिर आप, एक शब्द आजकल आ गया है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, तो इसका आरोप तो नहीं लगेगा? नहीं, इसलिए नहीं लगेगा कि मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर, मैं वो सब तो कर नहीं रही हूँ कि मैं उसमें खुद उसको चांस दूंगी। ऐसा तो मैं करूँ, कोई और उसको चांस देगा, कोई गॉडफादर नहीं भी हो सकता है, मगर चांस तो आ ही सकता है उसको। और उसने अभी मिथिला मखान एक फिल्म आई थी, उसमें वंदना ने गाया मैथिली में, तो मेरे ख्याल से उसमें कांति प्रकाश, क्रांति प्रकाश, हाँ, तो उसने गाया भी है वंदना ने, और आवाज़ तो उसकी वाकई अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, लोगों को बहुत उम्मीद भी है, मगर क्या है कि हम लोग थोड़ा परिवार और सब कुछ को देखते हुए आगे बढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है। अब क्या आप मानती हैं कि ये भी एक बड़ा कारण है कि आपको जिस तरह से बॉलीवुड में जो कहते फेम मिलना चाहिए था और ऑफर्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको परिवार भी मैनेज करना था? हाँ, सब कुछ देखकर हाँ, चलना था, जबकि हमारे हस्बैंड बहुत सहयोगी थे इसमें, बहुत सहयोग किया उन्होंने, उनके कोऑपरेशन के बिना तो ये संभव ही नहीं था, वहीं कहीं रह जाते हम, लेकिन उन्होंने भी बहुत आफ्टर मैरिज हमारे हस्बैंड ने बहुत सहयोग किया इसमें। मेरे तो घर में जब विरोध हो गया था, ससुराल में सब विरोध हो गया था, मेरे हस्बैंड ने ही उनको समझा बुझा के फिर ठीक किया, और तब जब ठीक किया तब तो मेरी सास जो है वो अपनी सास का गाना वाना सब गाने लगी, वो लेकिन तुम लोगों से नहीं होगा वो गाना, वो अच्छा नहीं है, बोला अच्छा है, हम तो वही गाएंगे। तब उन्हीं से सीख करके जो है उसको गायकी में थोड़ा बदल के उन्होंने गाया, तो मेरे हस्बैंड का भी बड़ा कोऑपरेशन रहा है। और परिवार की बात कह रही है तो परिवार तो है ही, उसमें रहना ही है, बच्चा है, हस्बैंड है, घर द्वार है, मायके है, ससुराल है, ओकेजन्स हैं जिसमें जाना आना पड़ता है, इस बीच में समय निकाल के रियाज़ करना, वो तो रियाज़ तो खैर रोज ही होता है, जैसे स्वर साधना जो है वो तो रोज ही करती है, मैं भी करती हूँ, उसके बगैर तो रह नहीं सकती। कभी रुक गया, कभी दो दिन रुक गया, चार दिन रुक गया, ऐसा होता है स्थिति परिस्थिति की वजह से, लेकिन वो रियाज जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि वंदना आगे अच्छा करेगी। जो मैं परिचन का गीत आपसे कह रही थी कि मुझे बचपन में कहा गया था कि ये गीत गाओ, एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अच्छा, वो पूर्वे पश्चिम, हाँ। तुम गाओगी साथ में? मैं गा दूंगी, मेरी माँ इस वक्त देख रही होगी तो। पूर्वे पश्चिम से आइले सुंदर दूल्हा जुड़ावे लगलन है,
सासु अपने नयनवा जुलावे लगलन हे, सासु अपने नयनवा सजल मंडप बाबा करे कन्यादान। इसमें आगे कन्यादान तक भी आ जाता है। माथे मानी मोरी सोए, माथे मनी मोरिया कुंडल सोवे कन्ना, माथे मनी मोरिया कुंडल सोवे कनवा, नन 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 हाथ के कंगनवा, नन 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 आवे पाल की चढ़ले आवे, पाल की चढ़ले आवे दूल्हा सलोनवा बजत आवे, सतरंगिया बजनवा बजत आवे है, सतरंगिया बजनवा। मैंने बहुत देर से आपको तंग किया, एक आखिरी सवाल ले जाते जाते, नए जनरेशन को जो आज ले रहे हैं शिक्षा, शिक्षा ले रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप जैसे लोग अब बिड़ले से बच गए हैं, मतलब देखिए सीखा जाए, जो सीख रहे हैं उनको तो क्या करना है, उनको तो मैं अपना आशीष देती हूँ जो सीख रहे हैं। अभी कल परसों मैं देख रही थी उस्ताद राशिद खान साहब, जो उनके शिष्यों को मैं गाते सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, उनको मैं देखती हूँ बराबर। प्रभात्रे जी हैं, डॉक्टर प्रभात्रे, इन लोगों की जो गुरु शिष्य परंपराएं हैं उसको देख करके बहुत खुशी होती है। वो तो एकदम कट्टर गुरु शिष्य परंपरा है जिससे सामने वो विद्यार्थी तैयार हो रहे, लेकिन ऐसे भी जो विद्यार्थी हैं जो अपने आस पास के गुरुओं से जो शिक्षित रहते हैं, गुरु जो अच्छे गुरु हैं उनसे जो लोग सीखते हैं, उन सबों को मैं अपना ये आशीर्वाद देती हूँ और सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि इसमें डटे रहना, रियाज करने में और सीखने में कमी नहीं करना। हम ये नहीं, लोकगीत गाना है गाओ, लेकिन अगर क्लासिकल का रियाज तुमने किया है तो निश्चित रूप से तुम्हारे लोकगीत में, गायन में एक नयापन, एक सुंदरता उसमें जो है वो आ जाएगी। कितना भी सरल से सरल गीत हमने गाया है, अपने गायकी का जो अंदाज है, कोई प्रताड़ना नहीं कि क्लासिकल सीखा तो क्लासिकल डाल, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन गले की जो हरकतें हैं वो सुंदर बना देती हैं उस चीज़ को, जो हमने बहुत पहले भी कहा इसमें, ये जो सीरीज़ वेब सीरीज़ वाली, कि जब हमने गाया तो सुभाष जी आए तो उन्होंने सुना जब गाने को, तो वो उनको जो एक वर्ड था बहिया में, बहिया में, छोटी सी चीज़ हरकत है, बहिया में द समारिन रमुहिया ए सजनी, छोटी छोटी हरकतें हैं, लेकिन अगर इसको प्लेन कर दिया जाएगा, बहिया में न संहारिनी रमुहिया में न, छोटी सी हरकत है मगर वो अच्छा लगा। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सीखने से, रियाज करने से, गायकी से, उससे आता है और सुंदर बन जाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगी जो सीख रहे हैं, विधिवत बिल्कुल सीख रहे हैं, उनको तो खैर बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारा, और जो लोकली अपने गुरुओं से कहीं से सीख रहे हैं उनको भी मैं बहुत आशीष देती हूँ, और ये प्रयास करें अधिक से अधिक जो लोग गायन में आना चाहते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करें, विधिवत शिक्षा ग्रहण करें, और तब वो किसी विधा में आए, विधा में रहते हुए गाते हुए भी लोग रियाज करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर से बहुत कुछ आ जाता है, उसी से सीखना शुरू करते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो उससे वो फीलिंग, वो बात नहीं बनेगी जो रूबरू सीखने से हो कहीं भी। इसलिए मैं ज़रूर ये संदेश देना चाहूँगी कि अच्छा रियाज करें, सीखें और तब गायन के इसमें खड़े हों। आखिरी एक गीत है गैंग्स ऑफ वसेपुर का, तार बिजली से पकते हमारे, गैंग्स ऑफ वसेपुर टू, गैंग्स ऑफ वसेपुर टू, महारानी टू, महारानी टू, ठीक है चलो। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासु बता तूने ये क्या किया, और सासु बता तूने ये क्या किया,
सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, बिचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, ना इधर ना उधर ही सिहारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है शुक्रिया बहुत छोटा शब्द होगा, लेकिन शारदा सिन्हा, सुरों की साधना जिन्होंने 40 वर्ष से ज़्यादा की है इस इंडस्ट्री में अगर बात की जाए, और हर एक बॉक्स में खुद को फिट रखने की कोशिश की है, इनका सबसे चर्चित गाना इन दिनों निर्मोहिया जो कि वायरल है, और शायद यही एक वजह बड़ी रही मेरे लिए कि मैं आप तक भी इस वक्त पहुंची हूं, और तमाम दर्शक जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर शारदा सिन्हा को देख रहे थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सहयोगी वेद प्रकाश पांडे के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।